गाइस गुड मॉर्निंग, स्वागत करता हूं मैं आपका मेरे यूट्यूब चैनल नितिन वायरल व्लॉगिंग में। आज मैं रनिंग के लिए आया हूं और आज रविवार है इसलिए मैं थोड़ा लेट रनिंग कर रहा हूं, तो थोड़ा सा समय मिल गया था इसलिए मैंने सोचा व्लॉग कर दूं। तो यहां का खूबसूरत नज़ारा ये देखिए, बहुत ज़्यादा खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का। मतलब यहाँ पर कुछ भी, ज़्यादातर पेड़ पौधे नहीं इसलिए थोड़ा ज़्यादा मतलब अच्छा नहीं लग रहा है। अगर पेड़ पौधे होते तो बहुत अच्छा लगता, मतलब पेड़ पौधे हरे रहते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये मेरे नेचर के हिसाब से मुझे अच्छा लगता है वो। तो गाइस मैं कब से दौड़ रहा था, मतलब 6 बजे आया था मैं और बाद में इधर बैठ गया व्यायाम वगैरह करने के लिए, पुशअप्स योगा करने के लिए, तो वहाँ पर बैठ गया मैं और मेडिटेशन भी कर रहा था थोड़ा सा। ये यहाँ का खूबसूरत नज़ारा, सनलाइट गिर रही चेहरे पर, यहाँ देख सकते हैं आप पीछे। सुबह के अभी 7 साढ़े 7 बज रहे हैं। गैस मैं कब से देख रहा हूँ, सुबह से नहीं के 3 से ज़्यादा बस जा चुके इधर। गैस मैं अभी घर पर जा रहा हूँ, तो थोड़ा देर हो गई इसलिए मुझे अभी फटाफट से दौड़ कर जाना पड़ेगा। पैर भी दर्द कर रहे हैं, क्या करें, वापस दौड़ कर जाना पड़ेगा मेरे को अभी। ये पीछे से रोड बहुत खूबसूरत लग रहा है, मतलब यहाँ का व्यू ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है गाइस। इस जगह पर बहुत ज़्यादा ठंड लगती है सुबह सुबह, क्योंकि यहाँ पर पानी है ना नीचे, तो इस वजह से ज़्यादातर ठंड लगती है। और यहाँ पर खेत भी है साइड में, आप देख सकते हैं, तो ज़्यादातर नमी की वजह से ठंड लग जाती है, तो इसलिए स्वेटर पहनकर यहाँ पर आना पड़ता है। गाइस कल रात को बिस्तर पर सोते समय पैर पर चोट लग गई, तो मतलब बहुत दर्द कर रहा है, एक उंगली पर चोट लगी है तो दर्द कर रहा है वो। मुझे ये फूल बहुत ज़्यादा पसंद आया, देखिए सुबह सुबह बहुत खूबसूरत फूल है। एक तोड़कर आता हूँ और इसी का एक थंबनेल वाला फ़ोटो मैं इस पर डालूँगा। मुझे फूल तो बहुत ज़्यादा पसंद आया। सो गाइस सुबह सुबह यहाँ के एसी पानी की वजह से ज़्यादातर ठंड लगती है, बाकी वहाँ पर ज़्यादा ठंड नहीं लगती, यहाँ के पानी और यहाँ पर खेत है ना, तो इस वजह से मतलब नमी की वजह से ज़्यादा ठंड लग जाती है। गाइस दौड़कर बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, मतलब सीधे वो उंबरखेड से दौड़कर यहाँ तक आया हूँ, बहुत ज़्यादा थका हूँ। यहाँ से नीचे दौड़कर जाना होगा फिर से, वहाँ के पानी के टाके का काम शायद पूरा हो गया है, अब वहाँ से पानी सप्लाई होगा पूरे मंठा में। सो गाइज मैं अपने घर पर आ चुका हूँ, तो मैं अपना व्लॉग यहीं पर ख़त्म करूँगा। ऐसे ही व्लॉगिंग के वीडियोस देखने के लिए मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।